हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो ये वीडियो कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा 2020 और प्रश्न नंबर 11, ठीक है ना। दो क्वेश्चन कल के वीडियो में करवा दिए थे और ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है घटाओ, तीसरे में क्या घटाओ। अब देखिए घटाओ कैसे करवाएंगे। आंसर देखिए पहले का, तीसरे का पहला। इसमें क्या है, 12 घंटे यानी आवर और 18 मिनट, उसमें से क्या घटाना है आपको, 9 आवर और 32 मिनट, 32 मिनट। तो इसे कैसे घटाओगे, आपको पता है कि 18 मिनट में से 32 मिनट नहीं जाएगी, ठीक है ना। 18 मिनट में से 32 मिनट नहीं जाएगी, तो आप क्या करोगे, तो आपको करना क्या है, इसमें से ये घटाना है, तो आपको करना क्या है। देखिए ये 12 घंटा है, 12 आवर, 12 घंटा है। 12 घंटों में से 1 घंटा आप निकाल लीजिए यानी 1 आवर निकाल लीजिए, तो यहां पर कितने घंटा बचेंगे, 1 घंटा यानी 11 घंटा बचेगा। 1 घंटा नहीं, सॉरी, 11 घंटा। तो 1 आवर निकाला, 1 आवर की कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, यानी 1 घंटा में 60 मिनट होती है। तो आप इसमें से 60 मिनट निकाल लोगे यानी 1 घंटा 60 मिनट निकाल लोगे और वो 60 मिनट इसमें जोड़ दोगे, तो आपकी मिनट कितनी बन जाएगी। देखिए 60 मिनट प्लस 18 मिनट उसमें जोड़ दोगे, इसमें से निकाल के 1 घंटा उसमें जोड़ दोगे यानी 60 मिनट जोड़ दोगे, तो आपकी कितनी बन जाएगी, 78 मिनट, 78 मिनट बन जाएगी। अब आपको घटाने में आसानी होगी। अब देखिए अब घंटे कितने बचे, 11, 11 आवर बचे और मिनट कितनी होगी, 78 मिनट होगी, ठीक। अब देखिए इनमें से घटानी है आपको 9 मिनट, 9 आवर यानी 9 घंटा और 32 मिनट, 9 घंटा 32 मिनट घटानी है, तो कैसे घटाओगे, देखिए आप सिंपली घटा दो। देखो 8 में से 2 गए तो 6, 6 बचे ना, 8 में से 2 गए तो 6, 7 में से 3 गए तो 4, 43, 46 मिनट। अब घंटा में देखिए 11 में से 9 गए, 11 में से 9 गए बचे कितने, बचे कितने, 2, तो 2 आवर आपका उत्तर आएगा, 2 घंटा, घंटे 2 घंटे और 46 मिनट, 46 मिनट, ये आपका उत्तर आएगा, ठीक है ना। उत्तर कितना आएगा, 2 घंटे और 46 मिनट, ठीक है। अब आगे देखिए ये दूसरा, दूसरा देखिए इसे कैसे करते हैं। अभी देखिए दूसरा आंसर नंबर, दूसरा दूसरा देखिए इसमें क्या है, 29 मिनट, 29 मिनट और 39 सेकेंड, सेकेंड उनमें से क्या कटाना, 25 मिनट, 25 मिनट और 39 सेकेंड और 29 सेकेंड, ये कटानी यानी मिनट में से मिनट जाएगी और सेकेंड में से सेकेंड जाएगी, ठीक है ना। आदिल 29 मिनट और 39 सेकेंड, इनमें से 25 मिनट और 39 क्या 29 सेकेंड, ये घटानी, ये आसानी से घट जाएगी। 9 में से 9 गया 0, 3 में से 2 गया 1, इतनी आ जाएगी सेकेंड। अब इसमें देखिए 9 में से 5 गए तो 4, ठीक, 2 में से 2 गए तो 0, आपके पास कितना आएगा, उत्तर क्या आएगा आपका, 4 मिनट, मिनट और 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहला और दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा, अब ये तीसरा देखिए, तीसरा देखिए इसमें क्या है, आंसर नंबर तीसरा देखिए, तीसरा देखिए इसमें क्या है, पहला इसमें क्या है, 14 घंटा, 14 घंटा यानी 14 आवर, ठीक, 8 मिनट, 8 मिनट, ठीक, में से 7 घंटा, 7 आवर और 35 मिनट कटानी, 35 मिनट कटानी, ठीक है। उसे ऐसे ही करेंगे, ये क्या करना, उसमें से घटाना है इनमें से। अब आपको पता है कि 8 मिनट में से, 8 मिनट में से 35 मिनट नहीं जाएगी, क्यों, ये छोटा है और ये बड़ा है, नहीं जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐसे करना, ये 14 घंटे है ना, 14 आवर
उनमें से क्या करोगे, एक घंटा ले लो, एक घंटा ले लो, एक आवर ले लो, यानी एक आवर लेने से ये बन जाएगा 13 आवर, ठीक। और एक आवर में मिनट कितनी होती है, 60 मिनट होती है, यानी हमने इनमें से एक आवर लिया यानी 60 मिनट ले ली, तो 60 मिनट इसमें जोड़ दो, 8 में जोड़ दो, तो देखो 60 प्लस 8 तो ये हो गई 68, यानी 68 मिनट, क्या होगी 68 मिनट। और घंटा कितना बनता हमारे पास, घंटा बनता 13, 13 आवर बनता। उनमें से क्या करना है, ये 7 वाला घटाना है, यानी 7 आवर और 35 मिनट ये घटाने, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखिए 8 में 6 गए तो 2, ठीक, 6 में 3 गए तो 3, ठीक, तो 32 मिनट। अब देखिए 13 में 7 7 गए तो 6 बचे, 13 में 7 गए तो 6 6 6 आवर, तो आपका उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा आपका 6 घंटे, 6 घंटे और क्या आएगी 32 मिनट, 32 मिनट, 6 घंटे 32 मिनट आपका उत्तर आ जाएगा। अब ये तीसरा भी हो गया, अब देखिए चौथा आंसर, देखिए इसका चौथे का चौथा, देखिए इसमें क्या है, 20 घंटा, 20 आवर, 40 मिनट, 40 एम, एम यानी मिनट, और उसमें से क्या घटाना है, 10 आवर और 50 मिनट, ठीक। अब या आप क्या करोगे, ये घटाना है उनमें से, उनमें से आपको पता है कि 40 मिनट में से 50 मिनट नहीं जाएगी, 40 मिनट में से 50 मिनट नहीं जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 20 आवर लिया, उनमें से 1 घंटा हमने निकाल लिया, 1 घंटा निकाल लिया, 1 आवर निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, 19 आवर, 19 आवर, यानी 1 घंटा निकाले यानी हमने 60 मिनट निकाल ली, 60 मिनट निकाली, और 60 मिनट इस 40 में जोड़ देंगे, 60 मिनट 40 में जोड़ा, 40 प्लस 60 तो ये क्या होगी, 100 मिनट, क्या होगी 100 मिनट, 100 मिनट हो गई ना, 40 मिनट इसमें, 40 मिनट 60 जोड़ा, तो अब क्या करें, अब ये नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर होगी 19 आवर, 19 घंटा, 1 घंटा घटा लिया हमने, और मिनट क्या होगी, 100 मिनट, 100 मिनट होगी, ठीक है। अब देखिए उनमें से क्या करते हैं, 10 घंटा और 50 मिनट, 10 घंटा 50 मिनट घटानी, तो कैसे घटाएंगे, देखिए 100 में से 50 गए तो 50 मिनट यहाँ पर बची, 50 मिनट बची, और 19 आवर में से 10 आवर गए, 10 घंटा गए तो 9 घंटा बचा, और यही आपका उत्तर, क्या 9 घंटा 50 मिनट, ये आपका उत्तर, ठीक है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या है कि योगेश प्रतिदिन 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट विद्यालय में तथा 3 घंटे 45 मिनट घर में अध्ययन करता है, योगेश क्या करता है, 5 घंटे 30 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट विद्यालय और घर में अध्ययन करता है, ठीक है ना। योगेश के प्रतिदिन अध्ययन करने का कुल समय ज्ञात कीजिए, यानी एक दिन में वो कितना घंटा अध्ययन करता है, ठीक है, ये याद करना है, आंसर देखिए याद करना है, ठीक। अब विद्यालय में प्रतिदिन योगेश विद्यालय में कितना घंटा अध्ययन करता है, देखिए विद्यालय में अध्ययन कितना घंटा करता है, 5 घंटा यानी 5 आवर 30 मिनट, यानी 5 घंटा 30 मिनट, और घर पर अध्ययन 3 घंटा यानी 3 आवर 45 मिनट, यानी 45 मिनट अध्ययन करता है, ये घर पर करता है और ये विद्यालय में करता है। अब कितने मिनट हो गए, पूरा मिला के बुझा इसने कि मिनट घर पे अध्ययन करता है, योगेश के प्रतिदिन यानी प्रतिदिन 5 घंटा 30 मिनट घर में वो विद्यालय में करता है और 3 घंटा 45 मिनट वो घर पे करता है, तो प्रतिदिन का कुल जोड़ देंगे हम, 5 7 और 8। अब देखिए प्रतिदिन वो कितना घंटा अध्ययन करता है, तो देखिए प्रतिदिन वो 8 घंटा और 75 मिनट अध्ययन करता है, ठीक ना, इतना वो क्या करता है, अध्ययन करता है। अब देखिए इसमें एक ट्विस्ट बात यह है कि 8 घंटा तो पूरा आ गया और 75 मिनट हो गए, तो आपको पता है कि 75 मिनट कभी नहीं होती, क्या नहीं होती, 75 मिनट कभी नहीं होती,
तो हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। क्योंकि आप देखिए 75 मिनट कभी नहीं होगी, 60 मिनट प्लस 15 मिनट ये होगी 75 मिनट। तो 60 मिनट का तो बन जाएगा 1 घंटा, 1 आवर, और 15 मिनट की 15 मिनट रह जाएगी, ये 15 मिनट की 15 मिनट रह जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब 1 घंटा को इसमें जोड़ देंगे 8 घंटा में, 8 घंटा प्लस 1 घंटा, तो घंटा पूरा कितना हो गया, 9 घंटा। घंटा क्या हो गया, 9 घंटा, 9 घंटा, 9 घंटा, 9 आवर और 15 मिनट, कुल वो योगेश क्या करता है, अध्ययन करता है, यानी 9 घंटा 15 मिनट योगेश अध्ययन करता है। तो ठीक है ना, ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। तो आगे का वीडियो ने वो कल के वीडियो में होगा, ये 11 नंबर प्रश्नावली का 2 क्वेश्चन रह गया, वो कल के वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।